हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेहा आज आपको पढ़ाने वाली हूँ अबाउट दी वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के बारे में आज हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। पहले एक एक करके पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सारी वर्टिब्रेट्स को एक चार्ट में जो है कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा अगर आप क्लियर करने चाहते हैं अपने सारे डाउट्स। बीच में हम इम्पोर्टेंट टर्म्स भी पढ़ेंगे, और इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएं और भूल जाएं लाइक करना, प्रेस द लाइक बटन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वर्टिब्रेट्स। तो बच्चों, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स में, और जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते हैं उनको कहते हैं हम इनवर्टिब्रेट्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ देयर बॉडी। मैंने पहले ही बताया है कि अगर ये बॉडी है, मान लीजिए ये एनिमल की बॉडी है, तो जो डॉर्सल साइड है आपका, ये आपका बैक साइड जो होगा वो डॉर्सल साइड होगा। याद रखिएगा डी, डी फॉर डॉर्सल, और बी ये बैक साइड का उल्टा, डी बी को उल्टा कर दिए डी, ठीक है। तो बैक साइड जो है आपका पीठ का साइड वो डॉर्सल साइड होता है। तो डॉर्सल साइड में इनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी स्टेज में प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट्स के, एम्ब्रायनिक स्टेज में, स्पेशली हम लोगों में एम्ब्रायनिक स्टेज में प्रेजेंट होता, और फिर ये डेवलप कर जाता वर्टिब्रल कॉलम में। जो हम जो पैदा होते हैं तो हम वर्टिब्रल कॉलम के साथ पैदा होते हैं। हमारे एम्ब्रायनिक स्टेज में किसी स्टेज में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रिंग लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज मीसोडर्मल इन नेचर, ठीक है, मीसोडर्मल लेयर में होता है। और इसके जस्ट ऊपर एक्टोडर्मल में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम द नर्व कॉर्ड एंड द नोटोकॉर्ड। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो नर्व कॉर्ड ऊपर होती है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, और उसके जस्ट नीचे होता है नोटोकॉर्ड जो मीसोडर्मल होता है। ये स्ट्रिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकदम स्टिफ होता है, सॉलिड होता है, which get developed into the vertebral column later. Okay, तो जिनमें notochords present होते हैं वो chordates होते हैं, okay, और जिनमें notochord present नहीं होते हैं वो non-chordates होते हैं, और जिनमें notochords throughout the life सिर्फ notochord ही present होता है vertebral column में, नहीं change होता है, वो होते हैं protochords, ठीक है। और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम में ये कन्वर्ट हो गया नोटोकॉर्ड, उन वो आते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, और जिनमें वर्टिब्रेट्स नहीं हुआ वो हो गए इनवर्टिब्रेट्स सारे। ओके, डिपोसिस नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रायनिक स्टेज दैट गेट डेवलप इनटू वर्टिब्रल कॉलम लेटर। ओके, वर्टिब्रेट्स में और क्या अलग चीज होती है? देयर बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। अगर आप इनको दो हाफ में काटोगे तो ये टू हाफ में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, बाइलिटरली मतलब टू हाफ में। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। सीलोमिक होता है, ट्रू सीलम, ट्रू कैविटी पाई जाती है। ओके, सेगमेंटेड होती है बॉडी इनकी, तीन पार्ट में या दो पार्ट में सेगमेंटेड होती है। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज पाए जाते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रल हार्ट इज प्रेजेंट, वेंट्रल हार्ट एंड चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। वेंट्रल मतलब आपका आगे का साइड। मैंने बताया था कि अगर हम जो भी कपड़े पहनते हैं जिनमें वी शेप का जो गला होता है तो वो कहाँ होता है? आगे साइड होता है। तो ऐसे याद रखना कि वी जो है ना वो आगे साइड होगा आपका, आगे साइड का पोर्शन, ठीक है। तो वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होता है, पीछे थोड़ी प्रेजेंट होता है हार्ट। ओके, वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होता है, एंड द हार्ट इज चैम्बर्ड एंड क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ओपन नहीं होता कि ब्लड से डायरेक्ट टिश्यू में जा रहा है, क्लोज ब्लड सर्कुलर सिस्टम होता है। इसका मतलब ब्लड जो है फ्लो करती है आपके ब्लड वेसल्स में प्रॉपरली। ओके, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट मूव करते हैं वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है, हम ध्यान से देखते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में आपके हैं पाइसेस हैं, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया, एव्स हैं, मैमेलिया हैं। पाइसेस बोला जाता है फिशेस, जितनी भी फिशेस हैं वो पाइसेस में आएंगे। एम्फीबिया, एम्फीबिया में फ्रॉग, सेलमेंडर जो दोनों जगह रहते हैं। रेप्टिलिया स्नेक, टर्टल, लिजर्ड। एव्स में बर्ड, बर्ड को ही एव्स बोला जाता है। मैमेलिया ह्यूमन बींग, रैट, डॉग, काउ, हॉर्सेस, ये सब जो है मैमेलिया के अंदर आएंगे, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ओके, फर्स्ट टॉक अबाउट द पाइसेस। पाइसेस कम्स फ्रॉम द वर्ड पिस्किस विच मीन्स फिश। तो इससे मतलब है कि पाइसेस, आपने मीन राशि पढ़ा होगा ना हॉरोस्कोप में, पाइसेस तो उसमें क्या मछली का डिजाइन बना हुआ होता है, तो इसके अंदर जितने भी फिशेस हैं वो पाइसेस के अंदर आ जाएंगे। तो भाई अगर पाइसेस के बारे में लिखने आता तो फिश के बारे में लिख दो, पता तो होगा ही फिश के बारे में कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है सो दैट दे कैन मूव इजली इन साइड द वॉटर। देयर बॉडी विथ स्केल्स, छोटे छोटे स्केल्स होते हैं दैट एंड्स इन ए मस्कुलर टेल, और मस्कुलर टेल होता है बैक में। फिन्स आर प्रेजेंट, इनकी लिम्स नहीं होती हैं, फिन्स होती हैं। हाँ, लिम्स एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेशन होता है थ्रू दी गिल्स, गिल्स प्रेजेंट होता है और गिल्स कवर्ड होता है यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज दी ओपेकुलम, ओपेकुलम से कवर्ड होता है। जब ये मुंह खोलते हैं हाँ तो ये ओपेकुलम क्लोज हो जाता है, जब ये मुंह बंद करते हैं देन दिस ओपेकुलम गेट ओपन। ठीक है, नेक्स्ट दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड हैव टू चैम्बर हार्ट। व्हाट इज दिस कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये नहीं कि इनका खून पूरा ठंडा होता है, इसका मतलब देखो बच्चों जो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो पूरे वर्टिब्रेट्स में ना एव्स और मैमल्स को छोड़ के बाकी सब कोल्ड ब्लडेड है, एव्स और मैमल्स जो है वो वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये होता है कि ये एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर सकते हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाएगा तो 98.6 जाएगा या 37 डिग्री सेल्सियस जाएगा, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है। ऐसा नहीं है कि बाहर ठंड है तो हमारा पूरा शरीर अंदर जो है ठंडा हो गया, या बहुत बाहर बहुत गर्मी है तो हमारा उतना ही शरीर जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता। हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं खुद से, हम अपने अंदर गर्मी खुद पैदा कर सकते हैं, दैट्स वाई वी आर नोन एज वार्म ब्लडेड। ठीक है, हम जो खाना खा रहे हैं तो कंबशन हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू या फिर एक्सरसाइजेस के थ्रू हमारे अंदर क्या जनरेट होती हीट खुद से, इनके अंदर ऐसा नहीं होता है। तभी आपने टर्टल्स को देखा होगा या फिर जो है रेप्टाइल्स को देखा होगा कि धूप सेकते हुए, गर्मी के मौसम में भी, ठंड के मौसम में ही में भी क्यों, और क्रोकोडाइल्स को देखा होगा तो ये क्या करते हैं बहुत समय पानी में रहने के बाद, हाँ फ्रॉग को भी मोस्टली पानी में रहने के बाद, जब इनका बॉडी टेम्परेचर जो है ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब कम हो जाता है, तो ये बॉडी टेम्परेचर को फिर अपने बॉडी को वार्म करने के लिए धूप लेते हैं, तो धूप लेते हैं तभी इनका बॉडी टेम्परेचर जो है फिर नॉर्मल होता है। तो इन कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उनकी उनका जो ब्लड होता है वो फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू दी एनवायरमेंट। ठीक है, इनकी बॉडी ये दे कांट जनरेट देयर ओन टेम्परेचर, दे कांट जनरेट द हीट इनसाइड देयर बॉडी, बट हम लोग हीट इनसाइड जो है आवर बॉडी, हम लोग हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने बॉडी को वार्म रख सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी पे बाहर के टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आते हैं सिर्फ एव्स एंड मैमल्स, बाकी जितने भी हैं वर्टिब्रेट्स में उन सब का जो बॉडी जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है। ठीक है, फिश में तभी एक्वेरियम में हीटर लगाना पड़ता है, और जो आपने देखा होगा कि ये जो लोग टर्टल रखते हैं एक्वेरियम में तो नीचे जो है उनके लिए दो लेयर बनाई जाती है, नीचे वाटर होता है और एक लेयर जिनमें वो टर्टल जाकर के रहते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट जो है लाइट की वजह से उनको थोड़ा हीट मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि लगातार पानी में रहने की वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है और उससे डेथ हो सकती है। तो अगर दो फ्लोर बनता है तो इससे जो है टर्टल ऊपर जाके अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। ओके, दे हैव टू चैम्बर हार्ट, उनकी जो फिशेस की जो हार्ट होती है सिर्फ दो चैम्बर की होती है। ओके, ए वन चैम्बर एंड टू चैम्बर, मोस्ट ऑफ देम ले एग्स, ये जो है एग ले करते हैं। ओके, ओवी पेरस होते हैं।
मोस्टली रोहू कतला सी हॉर्स दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पाइसेस. नेक्स्ट एम्फीबिया. एम्फी वर्ड्स मतलब होता है डबल. अब बायोस मतलब होता है लाइफ. ये डबल लाइफ जीते हैं, ठीक है. और इनमें मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है. मेटामॉर्फोसिस मतलब इनका सारा स्टेज जो है कंप्लीट होता है अपने आप में. टैडपोल स्टेज भी कंप्लीट होता है अपने आप में, ठीक है. और दे लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर. और ये दोनों में रहते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एम्फीबिया. दे कैन लिव इन लैंड एंड इन वाटर टू. दे लैक स्केल्स. इनमें स्केल्स नहीं होती हैं फिशेस की तरह. इनकी बॉडी जो होती है काफी स्मूथ होती है. दे हैव म्यूकस ग्लैंड इन देयर स्किन विच सिक्रेट म्यूकस. इनकी स्किन में म्यूकस ग्लैंड होता है जो म्यूकस सिक्रेट करता है. उसकी वजह से इनकी स्किन काफी मॉइस्ट होती है. एंड दे रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. ये जो मॉइस्ट स्किन होती है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है. दे आर कोल्ड ब्लडेड. ओके दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट. अब इनकी जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड की है. ओके दो से अब हम कहाँ पहुंच गए, तीन चैम्बर में पहुंच गए. रेस्पिरेशन आइदर बाई गिल्स लंग्स एंड स्पेशली फ्रॉग. दे रेस्पायर थ्रू देयर स्किन थ्रू देयर बकल कैविटी एंड थ्रू द लंग्स. ओके इनमें तीन तरह का रेस्पिरेशन होता है. क्यूटेनस रेस्पिरेशन बकल कैविटी रेस्पिरेशन एंड द पल्मोनरी रेस्पिरेशन. लिम्स आर टेट्रापोडस. ओके टेट्रापोडस. टेट्रा का मतलब होता है चार. ओके एंड पोडस का मतलब होता है कि ले. फाइव फिंगर पाए जाते हैं. दे ले एग्स. एग्स ले करते हैं हाँ. और एग्स के चारों ओर जेली लाइक कवरिंग होती है. बहुत सारे एक बार में बहुत सारे एग्स ले करते हैं ये. एग्जांपल आर फ्रॉग टेडपोल सेलेमेंडर एंड हाइला. Next is reptilia. Reptilia comes from word repair, which means to crawl. They possess dry skin with scales. इनकी skin बहुत dry होती है. देखा ही होगा इनकी skin बहुत dry होती है और scales होते हैं ऊपर. Okay. Mostly live in warmer region. They are cold blooded. ये भी अपनी body temperature को अपने अंदर ही generate नहीं कर पाते हैं. ओके फर्स्ट क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल. ये जो होते हैं ये पहली ऐसी क्लास है इसकी वर्टिब्रेट्स की जो फुल्ली टेरेस्ट्रियल है. सबसे पहले वाले एक्वेटिक थे, फिर सेकंड जो है दोनों में रहने लगे और थर्ड जो है टेरेस्ट्रियल हो गए. दे ले एग विथ टफ कवरिंग ऑन लैंड. ठीक है ये एग ले करते हैं और जिसके ऊपर टफ कवरिंग होती है. रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स. रेस्पिरेशन इनका लंग्स के थ्रू होता है. दे सम हैव लिम्स विद सम लैक लिम्स. कुछ के पास लिम्स होते हैं. देखो इसके पास लिम्स है और इसके पास लिम्स नहीं है. ओके दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. इनके पास भी अभी तीन ही चल रहा है. ठीक है पिछले भी में एम्फीबियंस के पास भी थ्री चैम्बर थे, इसके पास भी थ्री चैम्बर है, लेकिन क्रोकोडाइल सब देखो फोर होना शुरू हो गया. तो क्रोकोडाइल जो होता है उसके पास फोर चैम्बर हार्ट होते हैं. ओके कोबरा लिजार्ड टर्टराइज आर एग्जांपल. नेक्स्ट कम टू द एव्स. एव्स कम्स फ्रॉम द वर्ड एविस विच मीन्स बर्ड. एव्स का मतलब ही होता है बर्ड. सो बर्ड के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं. तो सबसे पहला तो जानते हैं कि फेदर्स होती हैं इनके पास. हाँ ये सब लिख सकते हो. बीक होते हैं. दे हैव वार्म ब्लडेड. दे आर वार्म ब्लडेड. ठीक है ये वार्म ब्लडेड. यहाँ से वार्म ब्लडेड होना शुरू हो गया. दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट. अब देखो फोर चैम्बर्ड हार्ट हो गया. ओके देयर बॉडी इज डिविजिबल इन टू हेड नेक ट्रंक एंड टेल. हेड नेक. इसके पास अभी नेक उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपने देखा होगा हेड नेक. ठीक है यहाँ हेड होता है बर्ड का, नेक ट्रंक एंड द टेल. ओके दे आर फ्लाइंग एनिमल्स हैविंग एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर. ये फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं और इनके एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं. फॉर लिम्स मॉडिफाइड इनटू लिम विंग्स. जो इनके फोर लिम्स होते हैं, सॉरी एफ ओ आर ई होगा, फोर लिम्स. दो तरह के लिम्स होते हैं ना, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स. तो फोर लिम्स मतलब आगे वाले लिम्स, आगे वाले पैर, और हाइंड लिम्स मतलब पीछे वाले. ठीक है
तो देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स, जॉज जो होते हैं वो बीक में मॉडिफाइड होते हैं, रेस्पिरेशन इनका थ्रू लंग्स होता है. ओके, दे ले एग्स विथ हार्ड कवरिंग, ये भी एग ले करते हैं जो कि जिसमें कि हार्ड कवरिंग होती है. स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है फॉर द बेटर मूवमेंट इन एयर. ओके, उड़ गई. नेक्स्ट मैमेलिया. मैमेलिया में हम लोग आते हैं. तो मैमेलिया कम्स फ्रॉम वर्ड मैमा विच मीन्स ब्रेस्ट. मम्मा भी पढ़ लो, मम्मा, मम्मा विच मीन्स ब्रेस्ट. ठीक है. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. सबके पास टेल नहीं होती, लेकिन जनरली बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. दे आर वार्म ब्लडेड, दे कैन रेगुलेट देयर टेम्परेचर विद फोर चैम्बर हार्ट. इनका जो है हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है, टू ऑरिकल, टू वेंट्रिकल. फीमेल्स हैव मेमरी ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द मैमल्स. ठीक है, फीमेल्स के पास मेमरी ग्लैंड होती है. ये जो चीज है मैमल्स को बाकी सबसे अलग बनाती है, क्योंकि इनके पास मेमरी ग्लैंड होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड टू टेक केयर ऑफ देयर और टू फीड देयर यंग वंस. स्वेट ग्लैंड होते हैं अलग से, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इनके स्किन में. ओके, फर्स्ट क्लास टू मार्क द प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना. ये पहली ऐसी क्लास है जिनके पास ईयर पिन्ना होता है. ठीक है, ईयर पिन्ना पता है ना, ये ईयर का जो ये आउटर पार्ट जो है, ये दिस वन, ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है. सम आर वीवी पैरस, कुछ वीवी पैरस होते हैं, कुछ ओवी पैरस होते हैं. वाइल तो वीवी पैरस मतलब जो बच्चे देते हैं, ठीक है, और ओवी पैरस मतलब जो अंडे देते हैं. रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स होता है इनका. ओके, एक्सलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज्ड होता है. दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन टू, नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है. यू कैन ट्रेन देम इजली. एग्जाम्पल्स आर रेड, कैट, डॉग, काउ, ह्यूमन, व्हेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम सब, सो आई होप कि ये समझ में आ गया है आपको. तो अब हम इन सबको एक साथ जो है कंपेरिटिवली पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा एक बार में, है ना. डिफरेंस बिटवीन ऑल वर्टिब्रेट्स. ओके, सबसे पहले हम हैबिटेट देखते हैं कि ये लोग रहते क्या है. पाइसिस कहाँ रहता है, सबसे पहले वाला जो भी आता है वो पानी में ही रहता है. ठीक है, उसके बाद कहाँ रहना शुरू हो जाता है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. प्लांट्स वाले में भी हमने देखा था कि सबसे पहले पानी में रहना शुरू किया. ठीक है, थैलोफाइटा ने, फिर ब्रायोफाइटा, जो है ब्रायोफाइटा ने दोनों जगह रहना शुरू किया. तो ऐसे ऐसे करके ये लोग भी जो है मॉडिफाइड होते हैं. तो सबसे पहले एक्वेटिक वाले होते हैं. ठीक है, एम्फीबिया जो है टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों होते हैं. फिर ये टेरेस्ट्रियल ये आ गए लैंड में. अब ये जो है इनमें एक चीज है, ये हवा में उड़ने लगे. एप्स वाले, ए से याद रखना, एप्स जो है एर्बोरियल है. मैमल्स जो है तीनों जगह रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एंड एर्बोरियल. ठीक है, ये तीनों जगह कुछ ज्यादा ही एडवांस है, सब कुछ कर सकते हैं ये. ओके, बॉडी कवरिंग. बॉडी कवरिंग में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास, साइसिस के पास. एम्फीबियंस की स्किन काफी मॉइस्ट होती है, म्यूकस लेयर प्रेजेंट होता है. रेप्टिलिया, रेप्टिलिया की स्किन जो होती है ड्राई स्किन होती है, स्केल्स होते हैं. एप्स, एप्स की बॉडी जो है कवर्ड होती है फेदर्स से, एक्सोस्केलेटन का काम करती है. एंड मैमल्स, हमारी बॉडी किससे कवर्ड होती है, हेयर से कवर्ड होती है ना. रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन पाइसिस में कैसे होता है, एक्सटर्नल होता है, दे ले एग्स इन वाटर. एम्फीबियंस में भी एक्सटर्नल होता है, ये ले एग इन वाटर, ये भी वाटर में ही एग ले करते हैं. ठीक है, रेप्टाइल्स जो होते हैं ये सॉफ्ट एग जो है देते हैं, कहाँ देते हैं, पानी में नहीं देते, ये कहाँ देते अपने अंडे, लैंड में देते हैं. ठीक है, एप्स भी जो है नेस्ट में अपने अंडे देती है, और जो अंडे होती है वो दे इट हैव द हार्ड कवरिंग. ओके, मैमल्स, मैमल्स जो है इंटरनल होता है उनका जो है रिप्रोडक्शन, उस इसका मतलब है कि बेबीज इनसाइड दी मदर जो है ग्रो करता है. ठीक है, फीटस जो है ग्रो करता है इनसाइड दी बॉडी एंड गिव बर्थ टू बेबीज. ये बेबीज बर्थ करती है, अंडे नहीं देती हैं, कुछ इनमें जो होती हैं वो अंडे देते हैं. ठीक है, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग होता है पाइसिस में थ्रू गिल्स. एम्फीबियंस में बता दिया मैंने कि स्किन के थ्रू, गिल्स के थ्रू, माउथ के थ्रू, लंग्स के थ्रू होता है. रेप्टिलियाज में लंग्स, यहाँ से लंग्स आ गया. ठीक है, लंग्स, लंग्स, लंग्स. ओके, चैम्बर सबसे पहले में टू, पाइसिस में एम्फीबियंस के पास थ्री,
फिर रेप्टाइल्स के पास भी थ्री होते हैं लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़ के, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। फिर एप्स के पास फोर, इनके पास मैमल्स के पास भी फोर। पाइसेस बॉडी टेम्परेचर कोल्ड कोल्ड कोल्ड, ये तीनों जो है ना पाइसेस से लेकर रेप्टिलिया तीनों के पास कोल्ड ब्लड, तीनों कोल्ड ब्लडेड हैं, और एप्स एंड मैमल्स जो है वार्म ब्लडेड होते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया, और इसके लिए आप एकदम ये रट लो कि ये लाइन से कैसे याद करना है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद होना चाहिए कि पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स, ये पांचों क्लास आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। इसको याद करने की ट्रिक है कि पीटर एंड ए फॉर एम्फीबिया एंड ए फॉर एंड पीटर एंड रीता आर मैरिड, पीटर एंड रीता आर मैरिड, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, ऐसे पीटर और रीता ने क्या कर लिया कि शादी कर ली है, पीटर एंड रीता आर मैरिड। तो ऐसे आप ये ऐसे लिख लोगे और याद करना शुरू करो कि पहले एक्वेटिक थे, फिर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक दोनों हो गए, फिर टेरेस्ट्रियल, फिर जो है एयर में उड़ने वाले, ए से एप्स, ए से एयर, ये तो ऐसे भी याद रहेगा, ओके। फिर मैमल्स, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करिएगा, और अगर पसंद आया ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।